अयोध्या में आदित्य राम मंदिर निर्माण के खाके के साथ जगतगुरु स्वामी वासुदेवानंदन सरस्वती सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पहली बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना होंगे। बैठक में पहले जगतगुरु मंदिर निर्माण की रूपरेखा पर अयोध्या जाकर प्रमुख साधु संतों की नब्ज भी टटोलेंगे। इससे पहले रविवार को मंदिर निर्माण को लेकर शंकराचार्य आश्रम में दिन भर मंथन होता रहा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में रविवार देर शाम उन्नाव हरदोई मार्ग पर बागरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नसीरापुर गांव के पास ट्रक और वैन में सीधी भिड़ंत हो गई। तेज टक्कर से वैन में आग लग गई। वैन में ड्राइवर सहित दो युवक, दो बच्चे और दो महिलाओं समेत कुल 7 लोग सवार थे। हादसे के बाद अचानक वैन में उठी आग की लपटों की वजह से कोई भी वैन से बाहर नहीं निकल सका। हादसे में 7 लोग जिंदा जल गए। आगरा के खिरैया हवाई अड्डे से ताजमहल तक नई चमचमाती सड़कें, रंग बिरंगे डिवाइसर, नए फुटपाथ, ये तैयारी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की। 24 फरवरी को ट्रंप ताजमहल के दीदार करने के लिए आ रहे हैं। इसके पहले सड़क किनारे की दीवारों को चमकाने का काम शुरू हो गया है। बिजली के खंभों तक में स्लेटी रंग का पेंट किया जा रहा है। पौधों और महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई के साथ पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। वाराणसी से इंदौर के बीच चलने वाली IRCTC की कॉर्पोरेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस में भगवान शिव के लिए एक सीट रिजर्व रखी गई है। काशी महाकाल एक्सप्रेस रविवार को पहली बार कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आई। ट्रेन में ओम नमः शिवाय मंत्र की धुन बज रही थी। ट्रेन के कोच नंबर B5 में साइड अपर सीट में भगवान शिव का छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है। यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़कर इसका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल में सभी प्रमुख विभागों के लिए कामकाज का एजेंडा तय कर दिया है। इसमें श्रम सुधार लागू करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 6 सेक्टरों में श्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने का लक्ष्य शामिल है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज व आदिवासी बहुल 3 जिलों में ट्रिब्यूनल म्यूजियम की स्थापना भी प्राथमिकता में है। School.